पार्टनर, आज सूरज तो बहुत ज्यादा गर्म है। हाँ, अपने दुबे सर से भी ज्यादा। यार, यहाँ मेरा पसीना निकल रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे अब गर्मी के दिन है तो पसीना तो निकलेगा ही ना। वाह, मन तो कर रहा है मैं भी सिंड्रेला के जैसे पानी में डुबकी लगा के बैठ जाऊं। अरे तो हमें रोका किसने? चल ललन टॉप पार्टनर, मजा आ रहा है। गर्मी से छुटकारा पाने का एकदम सही आइडिया है ये। शू, शू, शू। अरे क्या कर रहा है? शू, चला जाए यहाँ से। अरे मैं मछली नहीं हूँ। आप ठंडे हो गए हैं तो जल्दी स्कूल पहुँचते, नहीं तो दुबे सर गरम हो जाएंगे। अरे ये राठी सर का दरवाजा बंद क्यों है आज? क्या तुझे वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? हाँ, आज भी हमें मुर्गा बनना पड़ेगा। अरे मैं मुर्गे की नहीं, ठंडी हवा की बात कर रहा हूँ। अभी यह कैसा ठंडी ठंडी हवा आई थी। लगता है गर्मी का असर तुम्हारे दिमाग पे भी हुआ है, यहाँ तो कोई ठंडी हवा नहीं है। अरे हाँ, मुझे भी अभी ठंडा ठंडा लगा। मैंने कहा था ना। लेकिन ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अभी आई ठंडी हवा। अरे हाँ, लगता है पटेल अंकल ठंडी हवा का झोंका है, क्योंकि जब भी वो यहाँ से गुजर रहे हैं ठंडी हवा आ रही है। अरे ये हवा पटेल अंकल से नहीं, राठी सर की ऑफिस से आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ देख, जब भी दरवाजा खुला ठंडी हवा बाहर आई, और जब दरवाजा बंद हुआ ठंडी हवा का आना बंद हुआ। इसका मतलब कहीं राठी सर ने एयर कंडीशनर तो नहीं लगाया? अरे मुझे नहीं पता था कि हेयर कंडीशनर लगाने से ठंडी हवा आती है। ए, मैं हेयर कंडीशनर की नहीं, एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, मतलब एसी। ओह हाँ, हो सकता है। चल देखते हैं। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, अरे तुक्का मार कोई या कोई तीर मार। यस, कम इन। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या हुआ? वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपका हाल चाल पूछ लें। वाह, बच्चे हो तो तुम दोनों के जैसे, अपने टीचर्स के बारे में सोचने वाले। पार्टनर, वो देख राठी सर का एसी। हाँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। बुध और बद्री, अभी तुम लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। अरे राठी सर तो हमें अभी ही बाहर निकाल रहे हैं। पार्टनर, मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर यहीं रुक जाते। हाँ, राठी सर को बातों में उलझा के मस्त ठंडी हवा खाते हैं। सर, कल रात मैंने सपने में देखा कि आपको एक ट्रॉफी मिली कूल प्रिंसिपल होने के लिए। अच्छा? हाँ सर, धोनी के बाद आप ही सबसे कूल इंसान हो। धोनी के बाद क्यों? मैं तो कहता हूँ राठी सर धोनी से भी ज्यादा कूल है। मैं तो कहता हूँ राठी सर सबसे कूलेस्ट हैं। हाँ, राठी सर तो बर्फ का गोला है, बर्फ का गोला। क्या? नहीं सर, हमारे कहने का मतलब है कि आपके जैसे प्रिंसिपल सिर्फ किस्मत वाले बच्चों को ही मिलते हैं। मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद, अब तुम लोग क्लास में जाओ। पार्टनर, लगता है हमने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। चलो जाओ यहाँ से।